हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, स्वेटर में डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सभी प्रोजेक्ट में डल के बहुत ही सुंदर रेडीमेड लुक में बनता हुआ आता है। तो फ्रेंड, डिज़ाइन आपके सामने ही, यदि आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपना ये सुंदर सा डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि हमने किस तरह से बनाया। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 12 के मल्टीपल में फंदे लेके एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है और मैंने फंदे डाल के इसमें एक सिलाई सीधी साइड से उल्टी बनाई है और एक सिलाई मैंने उल्टी साइड से ये उल्टी उल्टी ही बना के कंप्लीट की। आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद हम यहाँ से डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई, इसे हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले फंदे को ऐसे स्लिप करके धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे। अब यहाँ पर हम सात फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, धागा अपनी ओर, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ और सात, धागा अपनी ओर, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे सीधे, सात फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, एक दो, लास्ट के स्टिच फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर अपनी पहली सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई में जो सीधी साइड से मैंने सीधे फंदे बनाए थे उन्हें हम यहाँ पर उल्टे फंदे बनाएंगे और जो उल्टे बनाए थे उन्हें हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करके दो फंदे सीधे, सीधी साइड से मैंने ये दो फंदे उल्टे बनाए थे तो इधर से हम इसे दो फंदों को सीधा बनाए थे। अब हमने सीधी साइड से जो फंदे सीधे बनाए थे सात फंदे, ये हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। इस सिलाई में हम एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और पांच, धागा अपनी ओर, यानी कि जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुन लेंगे, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा, दो तीन चार पाँच छ और ये सात, सात फंदे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे। धागा अपनी ओर, एक दो तीन चार पाँच छ सात, धागा पीछे, दो फंदे सीधे और लास्ट के स्टिच फंदे को उल्टा। तो ये हमने अपनी दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की, ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन दो सिलाइयों में दिखाई देने लगा। यहाँ पर उल्टे दिखाई दे रहे, बीच में सीधे। अब आ गए हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। हर रो हमने बिल्कुल सेम पहली सिलाई की तरह ही बनानी है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करके दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, ये सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, यानी कि जो जैसा फंदा दिखाई दे रहा आपको उसे वैसा ही बना लेंगे।
सातवें दे सीधे, पांच उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, सातवें दे सीधे, एक दो तीन चार पांच छः सात, धागा अपनी ओर, ये पांच फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो इसे उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच छः सात, धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, स्टिच फंदे को सीधा। तो ये हमने अपनी तीसरी सिलाई को भी बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की चौथी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ, फोर्थ सिलाई को, यानी कि हम जैसे मैंने दूसरी सिलाई बनाई थी उसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे, यानी कि सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। ये हम अपनी फोर्थ सिलाई बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। पहला फंदा सीधा स्लिप किया, दो फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, सात फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच छ सात, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी ओर, सात फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच छ सात, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी ओर, सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा उल्टा। ये मैंने यहाँ पर अपनी फोर्थ सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की फिफ्थ सिलाई, यानी कि पांचवी सिलाई है और सीधी सिलाई है। पांचवी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए, पांचवी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे और ये दो फंदे जो इनको बनाएंगे उल्टा। यहाँ पर जाली डालते हुए इस तरह से ये बल आ गया है, इस तरह से मैंने जाली डाली, इस फंदे को उल्टे बनाया, अगले को भी मैंने उल्टे बनाया। अब आ गए हैं ये हमारे सात फंदे जो सीधे हैं, इन पर हम डिजाइन किस तरह से डालेंगे। इस फंदे को और इसको ऐसे लेंगे और बैक लूप से हम यहाँ से ध्यान दीजिए, इस तरह से हम बैक लूप से दो का एक करेंगे, इस तरह से हम बैक लूप से धागा पीछे करके और बैक लूप से यहाँ से हम दो का एक करेंगे। दो का एक करने के बाद हम ये तीन फंदे बीच के अब फिर से सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे फिर से हमने सीधे बनाए, फिर से ये दो फंदे हैं जो धागा पीछे ही रखेंगे और इसे फ्रंट लूप से हम इस तरह से दो का एक करेंगे। ये इस तरह से दो का एक किया, फिर से हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए पहले यहाँ पर हमारे सात फंदे थे तो अब यहाँ पर दो का एक इधर किया, दो का एक इधर किया, पांच फंदे बचे। अब आ गए हैं हमारे ये पांच फंदे उल्टे, तो धागा अपनी ओर, एक दो फंदे उल्टे, जो ये बीच वाला फंदा है तीसरा फंदा, दो इधर के उल्टे, दो इधर के पांच में से, इसको हम सीधा बनाएंगे लेकिन धागा अपनी ओर ही रखते हुए सीधा बनाया। बचे हैं दो फंदे, यहाँ पर मेरा साइड में जाली डली है, फिर यहाँ पर फिर से हम जाली डालेंगे तो धागे को पीछे ही रखेंगे और दो फंदे हम बनाएंगे उल्टे, इस तरह से धागा पीछे करेंगे, ये इस फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली आई है। तो अब हमें ये सात फंदे हमारे फिर से सीधे आ गए हैं तो इन्हें हम दो फंदों को ऐसे उतारेंगे और इस निडल पे लेके दो का एक बैक लूप से करेंगे।
बीच के हमारे जो हैं ये तीन फंदे, इन्हें सीधा बनाएंगे, एक दो तीन। अब बचे हैं दो फंदे सीधे, तो फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे, दो का एक किया धागा अपनी ओर, और फिर से आ गई हैं पांच फंदे उल्टे, तो दो फंदे तो हम पहले उल्टे बनाएंगे। एक फंदा जो बीच का है ये तीसरे वाला फंदा, इसको हम यहाँ से सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी ओर ही रखते हुए जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दो बचे उल्टे फंदों को धागे को पीछे ही रखेंगे, यहाँ पर जाली डालते हुए फिर से दो का एक करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से हमारे सात फंदे सीधे, तो दो फंदों को ऐसे उतार के राइट नीडल पे और अब लेफ्ट नीडल पे ऐसे डालेंगे और दो का एक करेंगे, बीच के फंदे तीन सीधे, एक दो तीन। फिर बचे हैं दो फंदे ये उल्टे सीधे, और तो इन्हें फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे इस तरह से। अब धागा अपनी ओर करके दो फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे, तो जाली डालते हुए धागा अपनी ओर ही करते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये मैंने अपनी पांचवीं सिलाई को सीधी साइड से बुना के कंप्लीट कर ली है। अब आ गई डिजाइन की छठी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। छठी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और जाली वाला फंदा इसको हम उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे करते हुए दो फंदे ये सीधे, धागा अपनी ओर, अब फिर से ये पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे। अब ध्यान दीजिए किस तरह से हम ये बीच वाले फंदों को बनाएंगे, धागा पीछे करके दो फंदे सीधे, एक और एक ये दो, धागा अपनी ओर, एक ये जो जाली वाला फंदा है इसको उल्टा बनाएंगे, एक एक सेंटर वाला उल्टा, फिर से जाली वाला, तीन फंदे यानी कि बीच में उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी ओर करते हुए पांच फंदे हम बनाएंगे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर, ये जाली वाला फंदा, ये वाला जाली वाला, सेंटर वाला दो, फिर से जाली वाला, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर, जाली वाला फंदा उल्टा और ये वाला भी स्टिच फंदा भी उल्टा। तो ये हमने अपनी छठी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की सातवीं सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, दो फंदे आगे उल्टे हैं तो धागा पीछे करके जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब आ गई हैं हमारे ये पांच फंदे सीधे वाले, तो इस फंदे को इसको ऐसे उतारते हुए ऐसे दो का एक करेंगे, बीच वाला फंदा सीधा, फिर से दो बचे हैं सीधे फंदे, इनको फ्रंट से हम दो का एक करेंगे, दो का एक किया, धागा अपनी ओर, एक दो फंदे उल्टे, धागा अपनी ओर ही करते हुए तीन फंदे इन बीच वाले सेंटर वाले फंदों को हम सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, धागा पीछे ही रखेंगे, फिर से एक यहाँ पर जाली आई, धागा बढ़ा, एक यहाँ पर बढ़ेगा, ये धागा पीछे ही रखते हुए दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, पांच फंदे अब आ गए सीधे, दो फंदों को ऐसे उतारेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे इस तरह से, बीच का फंदा सीधा, दो फंदे फिर से फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, एक
दो धागा अपनी ओर रखेंगे और बीच के जो सेंटर वाले तीन फंदे हैं यहाँ पर एक जाली डालते हुए तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे तो धागा पीछे ही रखेंगे और दो फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा ही बुन लेंगे। धागा पीछे, फिर से पांच फंदे आ गए हैं, दो फंदों को ऐसे उतारेंगे, बैक लूप से दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, और जो ये जाली वाला फंदा है इसको सीधा बनाएंगे और स्टिच फंदे को भी सीधा। ये मैंने अपनी सातवीं सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की आठवीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है। आठवीं सिलाई को ध्यान दीजिए किस तरह से बनाएं। आठवीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है। पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी और बीच के तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करके दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे ये सीधे बनाए, धागा अपनी ओर, फिर ये जाली वाला, एक सेंट, दो तीन चार और पांच, पांच फंदे बीच सेंटर के उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे फिर सीधे, धागा अपनी ओर, तीन फंदे फिर से उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर, एक ये जाली वाला फंदा, एक दो तीन चार और पांच, धागा पीछे, दो फंदे ये सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर, तीन फंदे ये उल्टे हैं तो उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर, एक ये जाली वाला, एक और दो, दो उल्टे, लास्ट का स्टिच फंदा सीधा। ये हमारी आठवीं सिलाई बनके कंप्लीट है। अब आ गई है नौवीं सिलाई है डिजाइन की और सीधी सिलाई है। नौवीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करके धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा पीछे ही रखेंगे, जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे उल्टे, अब बचे हमारे तीन फंदे ये सीधे। अब हमें क्या करना है, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा करेंगे, तीन का एक, धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा अपनी ओर ही, बीच के ये फंदे ही नहीं सीधा, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे, धागा पीछे ही रहे, जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, फिर से आ गए हैं बीच के तीन फंदे, तो इन तीन फंदों का हम इकट्ठे बनाएंगे और सीधा बनाएंगे, तीन का एक करेंगे, ये यहाँ पर तीन का एक, धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे उल्टे, धागा अपनी ओर ही जाली डालते हुए बीच के फंदे ये, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे सीधे, धागा पीछे ही रहे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और दो का एक फंदा, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो, धागा पीछे, तीन फंदे फिर से आ गए हैं ये, इनको तीन का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे।
तीन का एक बनाया, फिर धागा अपनी दो फंदे उल्टे एक दो, दो फंदे उल्टे धागा अपनी ओर करते हुए जाली डालते हुए लास्ट के तीन फंदे हम सीधा बनाएंगे। तो ये हमने अपनी नौवीं सिलाई को सीधी साइड से बुन के कम्प्लीट कर लिया। अब आ गई है डिज़ाइन की दसवीं सिलाई है और उल्टी सिलाई। पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर एक दो और तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो, दो फंदे सीधे धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एक सीधा, फिर से एक सीधा, दो फंदे सीधे, धागा अपनी ओर फिर से एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे उल्टे, धागा पीछे दो फंदे ये सीधे एक दो, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो, धागा अपनी ओर एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, सात फंदे उल्टे, धागा पीछे फिर एक दो, दो फंदे सीधे, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक दो, दो फंदे सीधे, धागा अपनी ओर एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा। तो ये मैंने अपनी दसवीं सिलाई को उल्टी साइड से बना के लास्ट सिलाई को कंप्लीट कर लिया। दस सिलाइयों में फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन ये इस तरह से बनता हुआ आएगा, ये इस तरह से हमारे ये पान के पत्ते से बनते हुए आएंगे। इन्हीं दस सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।